हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओशियन माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि BS6 जो मोटरसाइकिल्स है उनकी प्राइस क्यों ज़्यादा होती जा रही है उनकी पुराने वेरिएंट जो BS4 में आती थी। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो BS6 जो एक पोल्यूशन नॉर्म है उसको फुलफिल करने के लिए मोटरसाइकिल में कुछ चेंजेस आती है, मेनली इंजिन्स में। तो वो जो चेंजेस है उसी चेंजेस की वजह से उसका प्राइस हाइक होती है। तो क्या क्या चेंजेस है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो BS6 इंजिन्स की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कार्बोरेटर नहीं होता, तो उसकी जगह पर जो चीज़ आता है वो है थ्रॉटल बॉडी। और थ्रॉटल बॉडी में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको कार्बोरेटर में नहीं देखने को मिलती थी, लाइक उसमें फ्यूल इंजेक्टर होती है, एक मैप सेंसर होता है और एक TPS सेंसर होता है जो आपका सेंस करता है कितना आपका थ्रॉटल अपने एक्चुएट किया है या फिर कितना आपका इंजन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। अगर उसके रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए ज़रूर आप कमेंट में पूछिए, उसके रिलेटेड हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कैसे ये सब सेंसर वर्क करती है या फिर उसका जो ECU है कैसे काम करता है। तो चलते फिर से हमारे टॉपिक पे। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, इंजेक्टर होता है, तो इन सब चीज़ों का प्राइस इंक्लूड हो जाता है BS6 वर्जन में। और साथ ही में क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल फ्यूल डालने से नहीं होगा, लाइक पहले जैसे होता था एक नली से सीधा के कार्बोरेटर में कनेक्ट हो जाता था, ऐसे नॉर्मली नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आ जाता है फ्यूल पम्प, क्योंकि एक प्रेशराइज्ड फ्यूल हमें यहाँ पर सप्लाई करना पड़ता है फ्यूल इंजेक्टर को। तो वो प्रेशर नियर अबाउट 30 से 40 PSI तक होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी वो प्रेशर क्रिएट करने का जो फ्यूल पंप आता है उसका प्राइस हो सकता है नियर अबाउट 5,000 से 7,000। कुछ कुछ बाइक से लाइक आप KTM 390 की बात करें तो उसका फ्यूल पंप आता है नियर अबाउट 12,000 का। तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि कैसे प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे हो गया हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट, सेंसर्स, थ्रॉटल बॉडी और तीसरा हो गया हमारा फ्यूल पंप। तो अभी अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये दो बाइक का मैंने फ़ोटो डाला है, एक है आपका आई स्मार्ट और दूसरा है SP शाइन जो हाल ही में लॉन्च हुआ है BS6 इंजन के साथ। तो यहाँ पे दोनों बाइक में एग्जॉस्ट में कैटलेटिक कन्वर्टर जो लगा हुआ है वो अच्छे से आप देख सकते हैं, जो पहले BS4 में नहीं था। BS4 में था लेकिन वो एग्जॉस्ट का जो आप साइलेंसर कहते हैं उसके अंदर था, लेकिन यहाँ पर अलग से बनाया गया है क्योंकि मोर रिफाइन एग्जॉस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे इसके वजह से इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर उसमें यूज़ किया है, तो उसके रिलेटेड भी उसका प्राइस हाइक हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी, 4 पॉइंट्स थी और साथ में और भी चीज़ें आती है, लाइक उसमें अलग से एक ECU इंक्लूड होता है जो इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं हम जिसको। पहले क्या होता था, नॉर्मल CDI होती थी, एक CDI बॉक्स होता था उसी से आपका इग्निशन कंट्रोल होता था, लेकिन यहाँ पे आपको इग्निशन भी कंट्रोल करना है साथ में फ्यूल भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और आप कह सकते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही में और भी बहुत सारे वायर्स आते हैं इसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे खेल है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इंजन का जो प्राइस है और आप कह सकते हैं पूरे व्हीकल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है BS6 वेरिएंट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड। आई हैव यू नाउ।